हेलो फ्रेंड्स, मैं और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर द वन पेज। तो आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा दोस्तों, हमारे वाइट कलर के फ्लावर में पिंक कलर का फ्लावर आ चुका है। वाइट कलर में पिंक कलर मिक्स हो चुका है, ये कैसे हुआ है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके लिए एक फ़ोटो डाल देता हूं, आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये हमारा जो पिंकिश वाइट कलर का जो फ्लावर है ये प्योर वाइट हुआ करता था, तो ये कैसे चेंज हुआ है इस पर बात करेंगे। पहले आप फोटो देख लें। तो दोस्तों, हमने दो बोगनविलिया एक साथ टाई अप करे थे रूट से लेके स्टेम तक, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक टाई अप करा था और यहाँ पर टाई अप कर रखा है, और रूट पर भी हमने देख रहे हैं रस्सी से बांध रखा है। तो दोस्तों, हमने दो बोगनविलिया एक साथ टाई अप करे थे, एक तो पिंक कलर था और एक वाइट कलर था। तो वाइट कलर के अंदर पिंक कलर का कलर मिक्स हो चुका जिस तरह आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमने किस तरह टाई अप करा, तो आप वीडियो वो ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये क्विक अपडेट था हमारा बोगनविलिया। तो फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने ये नहीं करा है तो प्लीज़ आप ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लगने वाला है आपका प्लांट। तो बात करते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है हमारे जो वाइट कलर का बोगनविलिया था उसकी रूट्स और ये पिंक कलर वाले बोगनविलिया की रूट्स कंबाइन हो चुकी होगी, तो दोनों में हो सकता है रूट ग्राफ्टिंग हो चुकी है, या हो सकता है दोनों की स्टेम ग्राफ्टिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस तरह आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, हम फिर से इसको कंबाइन करेंगे और थ्रेड से बांधेंगे। तो चलिए बांध देते हैं इनको। फ्रेंड्स, हमारी पहले भी बात हो चुकी थी कि इस प्लांट को करीब हमें 4 फीट तक ग्रो करना है हाइट, तो फिलहाल इसकी 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप इसका फ्लावर देख सकते हैं। ये प्योर वाइट कलर था दोस्तों, अब ये पिंकिश वाइट हो चुका है। तो आप प्लीज़ इस ऐसे ट्राई करें और ग्रो करने का कोशिश करें हमारे पिंकिश वाइट। आप कोई भी कलर मिक्स करिए दोस्तों, वाइट कलर में ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं और आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, पुराना वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।